जाने कहाँ हो गो है, दो दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना हो गो, कहीं चोट लग गई हो तो? हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद जशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी, हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ। जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है, और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं, पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? नाना, मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो, पर सोचना उपयोगी है, क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल। कान्हा, जी कहाँ गए हो? अरे जी, अभी तो यही दो। कान्हा, 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 क्षमा कीजिएगा नारायण, आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है, इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु, इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। कान्हा, आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया हूं प्रभु? अरे तुम फिर आ गए? अब आप पिता प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया, आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था।
खिला दो ना महाराज श्री नारायण की इच्छा से। जाने दो ना महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं। रुक। तुझे बता बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया महाराज ने बुलाई हुए मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज महाराज अब आप मेरा सत्य जानते हैं पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वो ही बना रहूँ जो हूँ उनका सामान्य सा लल्ला ताकि इनकी क्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज जे सदैव ऐसे ना करतो है आज ना जाने ऐसे क्या होगा है? जे सैतानी ना थी यशोदा जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज आप अनुष्ठान पूरा करो अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री ये विघ्न डालने नहीं अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया। आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा परंतु मैं समझ गया पुत्री बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया देखा मैंने गाई थी ना। आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है?